नक्सली हत्याकांड में नक्सलियों ने बड़े ही बेरहमी से 3 नेताओं समेत 28 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। हमले के बाद नक्सलियों ने मीडिया हाउस को चिट्ठी भेजी जिसमें नक्सलियों ने माफी मांगी है, माफी उन लोगों से जो बेवजह उनकी गोलियों का शिकार हुए। चिट्ठी में माओवादियों ने लिखा है कि कांग्रेस काफिले पर हुए हमले में वाहनों के ड्राइवर, खलासी और कांग्रेस के निचले स्तर के नेताओं की मौत का हमें खेद है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले की जिम्मेदारी नक्सली संगठन दंडकारिणी स्पेशल जोनल कमेटी ने ली है। कमेटी के प्रवक्ता गुड़सा उसेंडी ने प्रेस रिलीज जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।